नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ कमर के दर्द को जड़ से ख़त्म करने के लिए बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपकी कमर में सालों से दर्द आपको परेशान कर रहा है तो एक बार आप ये नुस्खा ज़रूर आजमा कर देखिए। अगर आपने पहले बहुत सारी इसके लिए दवाइयाँ खाई हैं तो हो सकता है उनसे फ़ायदा नहीं हुआ हो आपको, लेकिन ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर जाए, तो आप इसे आजमा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दो नुस्खे बताने वाली हूँ, आपको 2 से 3 सप्ताह के लिए दोनों ही नुस्खे आजमाने हैं दोस्तों, जिससे आपकी कमर दर्द एकदम ठीक हो जाए, कमर का दर्द जो है जड़ से ख़त्म हो। इस नुस्खे को हम कम से कम चीज़ों के साथ, सामग्री के साथ बनाकर तैयार करेंगे और नुस्खा ऐसा रहेगा, एक बार अगर आप इसे बनाकर रख लेते हैं तो 2 से 3 सप्ताह आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको रोज़ रोज़ बनाने का झंझट नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच खा लेना दोस्तों दूध के साथ, कमर दर्द को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेगा ये नुस्खा। तो सबसे पहले हम इसकी सामग्री जान लेते हैं, सामग्री में हमें क्या क्या लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारे पास खसखस, इसको मेरे यहाँ खसखस ही बोला जाता है। कहीं कहीं पे इसको पोषक दाना बोलते हैं, कोई कोई इसे पॉपी सीड बोलता है, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप इसे जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना किस नाम से जानते हैं, ताकि सभी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो। तो आपको पहली जो सामग्री लेनी है इस नुस्खे के लिए वो है खसखस दोस्तों। कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई बार आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठकर काम करते हैं तो उसके कारण भी कमर दर्द हो जाता है। किसी किसी को जैसे कोई फिसल कर गिर जाता है, या गाड़ी से गिर जाता है, चलते चलते गिर जाता है, किसी किसी को चोट लगने के कारण भी हो जाता है, और किसी किसी को जो है ये शरीर में विटामिन्स की कमी के कारण भी आपके जोड़ों में और कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो आप अगर आपको किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है और तो भी आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हो, आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए एक बार में आपको कम से कम 200 ग्राम पॉपी सीड लेने हैं, यानी कि खसखस लेनी है। 200 ग्राम ही इसके साथ में आपको लेना है, यहाँ पे जो मिश्री आप देख रहे हैं ना, खड़ी मिश्री, धागे वाली मिश्री, इसका इस्तेमाल करना है। एक जो प्रसाद के लिए मिलती है ना बारीक दानों वाली, वो आपको नहीं लेनी है, इसी तरह की खड़ी मिश्री लेनी है। अगर आप 200 ग्राम खसखस ले रहे हैं तो 200 ग्राम ही आपको मिश्री लेनी है। अगर आप 250 ग्राम खसखस ले रहे हैं तो आपको 250 ग्राम ही मिश्री लेनी है। दोनों को आपको जो है इस तरीके से तैयार करना है दोस्तों। पहले मैं मिश्री का आपको बता देती हूँ। मिश्री को आप पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना और फिर इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका बारीक पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद में इसे छानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर धागा होता है, थ्रेड होता है, तो उसके जो है रेसे हो जाते हैं पूरे पाउडर के अंदर। तो आप इसे छान लेंगे तो वो रेसे जो है ना साइड में हो जाएंगे, उनको फेंक देना और पाउडर आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ पे ली है खसखस दोस्तों, खसखस को आप क्या करेंगे, आपको 1 चम्मच देसी घी लेना है, कढ़ाई में डाल के घी को हल्का गर्म करना और ऊपर से आप पूरी खसखस डाल देना, 200-250 ग्राम जितनी भी आप ले रहे हैं, और इसको अच्छे से चलाना कढ़ाई के अंदर, यानी कि 5-7 मिनट के लिए आपको धीमी आँच पर ये रोस्ट करनी है थोड़ी सी। खसखस को कच्चा ना खाएं, कच्चा खाने से उतना फ़ायदा नहीं करती है, उल्टा पेट में आपको मरोड़ वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो इसलिए आप इसको हल्का सा सेक कर खाना, तो इसके फ़ायदे आपको डबल मिलते हैं। और अगर आपको घी खाना पसंद है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है घी खाने से, तो आप इसमें 3-4 चम्मच तक भी देसी शुद्ध घी डाल सकते हो, गाय का या भैंस का घी डालना है आपको इसके अंदर। अगर आप कम घी पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच डालकर और हल्का सा इसे घी के अंदर आप ड्राई रोस्ट सा कर लेना थोड़ा सा, ज़्यादा घी डालकर तलने की ज़रूरत नहीं है। अगर शौकीन है आप घी खाने के तो आप डाल सकते हो। इस तरीके से आपने खसखस को पहले सेक लेना है, फिर उसको प्लेट में डाल देना और ठंडी होने देना। ठंडी होने के बाद में ग्राइंडर जार में डाल के उसको पीस लेना। दोनों चीज़ को मैंने अलग अलग पीसने के लिए आपको बोला है, अलग अलग ही आपको पीसना है। खसखस पीसने के बाद में आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्की फुल्की बारीक दाने रहते हैं वैसे भी, और ये साबुत भी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे चबा कर खा सकते हो। लेकिन मिश्री जो है उसको छानना ज़रूरी है, इसमें थ्रेड होने के कारण। इसी तरीके से फिर आप लास्ट में दोनों का पाउडर बनाने के बाद में इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना और एक जार में भर के रख लेना, और रोज़ाना आपको 1 गिलास दूध लेना है। गाय का दूध मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है,
अगर नहीं मिलता है घर में, भैंस का दूध है शुद्ध प्योर है, तो भैंस का भी आप ले सकते हो। गर्म करना दूध को बहुत अच्छे से, और उसको नॉर्मल टेम्परेचर का आने देना, जब वो हल्का सा गुनगुना रह जाए ना तब आपको लेना है। और इसके साथ में आपको लेना है 1 चम्मच फुलबर के, जो मिश्रण आपने तैयार किया है मिश्री और खसखस से, ये आपको लेना है दोस्तों। ये जो नुस्खा लेंगे आप, इसका समय रहेगा दोस्तों रात में, शाम का जब आपका खाना हो जाता है, जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, उसके 1-2 घंटे पहले आप ले लेना। तो इससे क्या होगा, नींद अच्छी आएगी। खसखस जो होती है ना, इससे अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है दोस्तों, नींद बहुत अच्छी आती है, थकान दूर हो जाती है, एकदम शरीर आपका रिलैक्स हो जाता है। और कमर दर्द में तो ये नुस्खा ऐसे काम करता है, अगर किसी को है तो आजमा के देखना, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि आपने बहुत बढ़िया नुस्खा बताया है। इसको आप कम से कम 3 सप्ताह तक, 21 दिन आपको ये करना ही करना है। इसके बाद अगला एक और नुस्खा बता रही हूँ, ये भी कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा करता है दोस्तों। तो अगर किसी को पहला वाला नुस्खा लेना है तो वो ले सकते हो, अगर किसी को दूसरा वाला नुस्खा आजमाना है तो आप ये ले सकते हो। ये इसमें हम अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अदरक जो होती है, किसी किसी को लगता है गर्म तासीर की होती है तो पेट में गर्म पड़ता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कौन सा भी नुस्खा ले सकते हो। खसखस गर्म नहीं करती है, ये ठंडी तासीर की होती है। तो अगला जो नुस्खा है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे अदरक का। अदरक के साथ में आपको घी लगेगा दोस्तों, देसी घी लगेगा इसमें, आप वैसे घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जो बाज़ार से डिब्बाबंद आता है। अगर आप इन घी का इस्तेमाल करके नुस्खे आजमाते हैं तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करते, क्योंकि ये घी असली होता ही नहीं है। जब भी आप नुस्खे आजमाएं तो घर का घी, किसी के घर से, ऐसे घर से लेकर आए जहाँ पे वो घर में बनाते हों, घी भैंस हो उनके यहाँ, गाय हो उनके यहाँ से लेकर आएँ, और फिर ये नुस्खा आप आजमाना, आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये नुस्खा आपको 1 दिन के लिए बनाकर तैयार करना है। इसे 2 समय लेना होता है, सुबह और शाम को। अदरक का रस निकाल लेना आप, अदरक का रस इतना निकालना कि आपको 1 चम्मच मिल जाए, दिन भर में 1 चम्मच अदरक का रस। उसमें 1 चम्मच आपको घी डाल लेना हल्का सा गर्म करके, दोनों को मिक्स करना। आधा आपको सुबह लेना है, आप इसे खाली पेट भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर किसी को लगता है खाली पेट नहीं लेना है तो जब आप नाश्ता करते हो ना उसके पहले ले लेना। इसी तरीके से शाम को आपको खाने के 1 घंटे पहले लेना है। ये नुस्खा भी आप 3 सप्ताह तक लगातार लेना। अगर किसी को कमर में ज़्यादा दर्द है 1-2 दिन, आप तेल से मसाज करवा सकते हो हल्के हाथों से। आप क्या करना, आप सरसों का तेल लेना, उसमें थोड़े से लहसुन डालकर कूट कर और उसको पका लेना, और फिर उस तेल से मसाज करवाना आप, और हल्की सी आप तवे पे, गरम तवे पे, और कॉटन का कपड़ा या कॉटन का कोई भी दुपट्टा लेना आप और उसको सेकना, कमर की सिकाई करना इस तरीके से। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।